सो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये चैनल ने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं और ये बस सिंपल ये शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस। तो आप ये देख सकते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने पैसे कमाते हैं, ये पर मंथ इतने पैसे कमाते हैं और ये हर साल इतने पैसे, और ये इनकी लाइक पर डे इनकम है, ये कितने के पैसे कमाते हैं पर डे। सो आज की इस वीडियो को मैंने 6 स्टेप में लाइक डिवाइडेड कर दिया है। अगर आपको लाइक इस आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस एआई की मदद से। स्टेप नंबर 1, फाइंड चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। तो स्टेप नंबर 1 से मैं चली जाती हूँ गूगल बार पर चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखते हैं गिव मी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक मोटिवेशनल चैनल नेम आइडियाज़। तो ये सेंड कर देंगे, जैसे हम ये सेंड करेंगे उसके बाद तो लाइक इसे चूज़, जैसे ये नेम आपको ये दे दें आइडियाज़ तो आपको इनमें से एक चूज़ कर लेना है, मैं ये वाला चूज़ कर लूँगी। उसके बाद इसे चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन के लिए प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट डिस्क्रिप्शन इन राइट YouTube चैनल डिस्क्रिप्शन इन डिटेल्ड हियर्स चैनल नेम। तो यहाँ पर हमें चैनल नेम बेस्ड ऑन मोटिवेशन वीडियो लिखते हैं चैनल नेम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोटिवेशन वीडियो वीडियोज हियर्स चैनल नेम। तो यहाँ पर हम चैनल नेम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर हमने चैनल नेम पेस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद हमें इसे सेंड कर देना है। जैसे ही हम इसे सेंड करेंगे ये थोड़ा टाइम लेंगे, ये देखिए ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, हम इसे रीजनरेट करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर ये मुझे पिछले से थोड़ा सही लग रहा है तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। और लाइक फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर क्रिएट चैनल लोगो एंड बैनर। जैसे ही हम लाइक लोगो क्रिएट करने के लिए हम कैनवा पर आ जाते हैं, लोगो की लाइक ब्लैंक टेम्पलेट में आ जाते हैं और यहाँ पर कोई डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए, ये डार्क कलर मुझे अच्छा लगा। तो इसके बाद यहाँ पर ऐड कर लेते हैं लाइक सेपरेट ऐड कर लेना है चैनल का नाम। यहाँ पर हम चैनल का नाम ऐड कर देते हैं, सेपरेट सब करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर इन्हें इफ़ेक्ट्स लगाएंगे, इसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट्स लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर इफ़ेक्ट्स लगाते हैं, इसके बाद इन्हें थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। इन्हें एडजस्ट करने के बाद हमें इसे एडजस्ट करके डाउनलोड कर देना है, जिसे एडजस्ट करेंगे हमें इसे डाउनलोड कर देना है। ओके, ये सही लग रहा है तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बैनर बनाने के लिए, यूट्यूब बैनर सर्च करते हैं, यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट कर देते हैं और यहाँ पर जैसे हमने लोगो में कलर सेलेक्ट किया था वही यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये कर देना है, यहाँ पर लिख देना है द मोटिवेशन, द को लाइक वाइट में कर देना है और मोटिवेशन को ब्लैक में, और यहाँ पर इंस्पायर भी लिख देंगे। उसके बाद इसे सही तरह कर देना है, येलो कर देंगे इसे। ओके, उसके बाद इसे छोटा सा कर देंगे, छोटा करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे ये सब्सक्राइब का बटन ऐड कर देंगे, उसके बाद डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर राइट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट करने के लिए ChatGPT पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गिव मी मोटिवेशनल टॉपिक। सबसे पहले हमें टॉपिक आइडियाज़ चाहिए, लाइक किसी भी वीडियो पर स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको टॉपिक चाहिए होते हैं तो हम टॉपिक के लिए रिसर्च करेंगे। तो ChatGPT ने लाइक कितना अट्रैक्टिव एंड लाइक कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आइडियाज़ दिए, मुझे तो सारे ही अच्छे लगे। उसके बाद इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, मुझे लगता है ये सही है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये थोड़ा सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम आकर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे राइट वीडियो ऑन राइट स्क्रिप्ट ऑन नेवर गिव अप। तो ये सेंड कर देंगे ये लिखने के बाद, जैसे ये हो जाएगा ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं प्रॉम्प्ट चेंज करती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ मोटिवेशनल वीडियो। तो उसके बाद इसे जनरेट कर लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा लाइक्स ऐड किया है ChatGPT ने, कितना अच्छा लिखा है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाए आपको इसे कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर देना है, हम इसे कॉपी कर लेंगे और नोटपैड में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर नोटपैड में जाएंगे, ये नोट्स पर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जैसे ही इसे पेस्ट कर देंगे इसे थोड़ा सही करेंगे। ओके, उसके बाद इससे भी सही कर देते हैं,
ओके इसे भी हम लाइक इसे एडजस्ट कर देंगे, जो जो फालतू पार्ट हैं वो हमें हटा देंगे, जो जो सही है वही रखेंगे, जो इसे हटा देते हैं। ओके ये यहाँ तक मुझे सही लग रहा है, तो आपको यहाँ से ये कॉपी करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको थंबनेल पिक्चर बनानी है, तो हमें इसे कॉपी कर देना है, इसे कॉपी कर देंगे यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करके इसे कर देंगे स्टॉप जनरेटिंग पर कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे राइट प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट इमेजेस फॉर द अबव स्टोरी। तो हम ये लिख देंगे, जैसे हम ये लिख देंगे तो ये हमें प्रॉम्प्ट्स देंगे इमेजेस जनरेट करने के लिए। ये आपको leonardo.com में पेस्ट करने हैं, leonardo.ai में पेस्ट करने हैं, तो वहाँ पर आपको इमेजेस मिल जाएंगी, ये आप थंबनेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अपने ऊपर पर जनरेट वॉइस ओवर, तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम आ जाते हैं 11 लैब्स पर। यहाँ पर आने के बाद हमें ये कॉपी करना है, एक पैराग्राफ हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर अपने लाइक मर्जी की वॉइस चूज कर लेनी है, उसके बाद जनरेट कर देना है इसे। जैसे ही जनरेट हो जाए इसे डाउनलोड कर दें आप, उसके बाद हम सेकंड पर चले जाते हैं। सेकंड लाइक जैसे जब तक ये लाइक जनरेट हो रहा है हमें नेक्स्ट पैराग्राफ कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है, और ये दूसरा कॉपी कर देना है। उसके बाद ये जनरेट हो रहा है, तो जैसे ही ये जनरेट हो जाए ये पता नहीं जनरेट ही नहीं हो रहा, तो फिर से हम दोबारा से आएंगे इस वेबसाइट पर। ये लाइक थोड़ा मसला हो गया, हम 11 लैब्स पर दोबारा आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करके लाइक करते हैं, पिछला ही कॉपी कर देंगे, यहाँ तक कॉपी कर देते हैं, यहाँ तक नहीं था, हाँ ये पेस्ट करके इसे फिर से लाइक कर देंगे जनरेट। उसके बाद ये नेक्स्ट कॉपी कर देते हैं अगले के लिए, अगले लाइक को जनरेट करने के लिए, उसके बाद इसे सही करते हैं। ओके ये जनरेट हो गया, इसे डाउनलोड कर देंगे, फिर अगला पेस्ट करेंगे और इसे फिर से डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद हम अगला करते हैं, कॉपी कर लेते हैं अगला पैराग्राफ, और जैसे ही हो जाए इसे डाउनलोड करने के बाद अगला पेस्ट करके जनरेट कर देते हैं। जैसे अगला जनरेट हो इसे डाउनलोड कर दें और फिर इसे कॉपी कर दें नेक्स्ट वाले को और पेस्ट करें यहाँ पर। तो जैसे ही पेस्ट करें इसे फिर से जनरेट कर दें और इसे यहाँ पर कॉपी करके नेक्स्ट वाले को कॉपी करके जैसे ही इसे डाउनलोड कर दें और फिर नेक्स्ट ऐसे ही कर देना है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 पर चलेंगे, हमें वीडियोस कुछ फाइंड करनी है लाइक वीडियोस जनरेट करने के लिए, जैसे वर्कआउट की वीडियोस होती हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोस पर एक्शन लगी हुई होती है, तो वो करेंगे हम। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं वर्कआउट पर, पिक्सल पर आ जाते हैं, यहाँ पर मुझे कोई भी इतनी खास लाइक वीडियो लगी नहीं, फिर हम पिक्सल पर चले जाते हैं, यहाँ पर अच्छी वीडियोस मिलती हैं, तो हम यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन पर जाते हैं, यहाँ पर वर्कआउट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम देखें ये देखें कितनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, तो इन्हें मैंने डाउनलोड कर लेना है, इन्हें डाउनलोड कर लेंगे हम, और यहाँ पर और भी वीडियोस होंगी हम इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। ओके ये भी होगा, ये भी डाउनलोड कर लेंगे, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद और जो भी वीडियोस हैं सबको हमें डाउनलोड कर लेना है, ये देखिए यहाँ पर और भी वीडियोस मिलेंगी। ओके इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ये लाइक आपको बहुत सारी वर्कआउट की वीडियोस डाउनलोड कर लेनी है एडिट करने के लिए, इन्हें हम फिर एडिट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या रिजल्ट आता है। इन्हें हमें डाउनलोड कर लेना है इसे भी, और इसे भी डाउनलोड कर देंगे। ओके इसे भी डाउनलोड कर देंगे, तो फिर ये लाइक ये मुझे एक अच्छी लगी, इसे भी डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर और मुझे इतना कोई सही नहीं लगी, तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 पर, एडिट यूट्यूब वीडियो एंड प्रीव्यू। तो एडिट करके हम बताते हैं कैसे की वीडियो कैसी एडिट हुई है। तो उसके बाद जैसे इनके बीच में जो गैप्स थे खाली खाली, जहाँ पर कोई भी वॉइस ओवर नहीं था, वो हम कट कर देंगे, इन्हें एक साथ जोड़ लेंगे वॉइस ओवर को, ताकि ये सही से लाइक हो ना, अच्छा सा इम्पैक्ट आए। तो इसे हम करेंगे यहाँ पर ऐड कर देते हैं, उसके यहाँ पर कोई भी गैप नहीं बचा है। उसके बाद हम यहाँ पर एडिट करने के लिए फुटेज लगाते हैं, यहाँ पर हम आ जाएंगे शॉर्ट के फॉर्मेट पर, और यहाँ पर ये ऐड कर देते हैं, इन्हें थोड़ा लाइक करके थोड़ा एडिट कर देते हैं। ओके इसे ऐड कर दिया, इसे थोड़ा एडिट कर देते हैं, उसके बाद इसे एडिट कर देते हैं,
ये सही है। और इससे कर देते हैं, यहाँ पर बहुत सारी फुटेज आप लगा सकते हैं जितनी आप चाहें, तो इसे सही है। इसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा इसे एडजस्ट करके फिर इसे एक्सपोर्ट कर दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसी वीडियो है। तो इसे एडजस्ट कर दिया है तो इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। Serene sunrise over a calm sea, symbolizing a new beginning. Life is a journey, and on this journey, we often find ourselves faced with challenges and obstacles. But remember this, the path to success is never a straight line. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।